बस ऐसे ही दिन आपका हर रोज हो। हंसते रहो आप हजारों के बीच में, जैसे फूल खिलता है बहारों के बीच में, रोशन हो दुनिया में आप कुछ इस तरह, जैसे चांद होता है सितारों के बीच में, जैसे चांद होता है सितारों के बीच में। दोस्तों क्या मतलब कालिया थोड़ी कम हो रही, प्रॉब्लम कुछ है? नहीं प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। तो हाँ चाय पीजिए, चाय पीना। देखिए दवाखाने में सवारी का अवसर दो होते हैं, वो सवारी अपने को नहीं होना। कौन सा? जो डॉक्टर बोलता है कि ऑपरेशन थिएटर के बाहर आके बाद में सवारी, वो नहीं होना। अपने को सवारी को होता ना जो अपन हमेशा वापरते वो वाला सवारी होना, जो आपकी टालियां भी है वही होना। सवेरे एक गार्डन में मैं घूमने गया, एक छोटा बच्चा था 11 साल का, वो क्या बोला मेरे को, मैं झगड़ा स्पेशलिस्ट हूँ। ये एक नई बात आ गई सामने, झगड़ा स्पेशलिस्ट, मेरे छोटा बच्चा। हाँ बोले मैंने, चल तो एक छोटा बात था मेरे को सामने, बोले चल झगड़ा लगा दीजिएगा। अब भी बोले मेरे बाहर का खेल गया वो, लेकिन पापा से थोड़ा पापा से वो गया। क्या बोला वो आदमी, वो घरवाली तो बहुत अच्छी थी उनका, चालू हो गया उनका झगड़ा मियाँ बीवी का। तुम उसी की सुबह पूछता असर करता है आप, फिर दूसरा जब तुम उनके झगड़े चालू हो जोर से। लेकिन एक ही बात पर घरवाली तो बहुत अच्छी थी, है ना, एक ही शब्द बोला उसने। फिर दूसरा लड़का आया मेरे पास में, बोले मैं समझौता समझौते वाला हूँ, बोले उसका मास्टर माइंड हूँ मैं। क्या झगड़ा चालू हो गया थोड़ा ये बता तू, है ना, तब तो तेरे को मानेंगे, ये तो कठिन कार्य हो गया। बोले बहुत आसान है मेरे लिए। वो गया आंटी, बोले मेरी उसकी शरीयत लगी थी कि मैं इनमें झगड़े लगा सकता, तो मैं शरीयत हार गया। बताइए पार्टी क्या उसका, हमारे घर में आपका काम दूसरे वाला है, पहले वाला नहीं है। ये समझौता करते हैं, मैं इनके साहित्य से बहुत प्रभावित हुआ, इनसे बहुत प्रभावित हुआ। पिछले 5-7 साल में ही इन्होंने बहुत शानदार काम किया है साहित्य में, नाम रोशन किया है, और इनका साहित्य और इनका नाम धर्म ग्रंथ में अमर होने वाला है। देखिए यानी छोटा काम नहीं किया इन्होंने, सत्य से जो मिला है उस सत्य से जो मिला है उसे संजय बाबू साहब कहते हैं।